let it bang. अभी हम लोग हैं एक फैक्ट्री में, मेडिकल फैक्ट्री है। यहाँ पे हमने एक लिफ्ट लगाई है, लोडिंग लिफ्ट एजीएम भारत एलिवेटर की तरफ से ये लिफ्ट लगाई है। ये डम्बेटर टेक्नोलॉजी है, डम्बेटर टेक्नोलॉजी के साथ ये लोडिंग लिफ्ट है। अब हम ये लिफ्ट को ऑन कर रहे हैं और आपको थोड़ा जानकारी दे देते हैं। ठीक, अभी क्या है, लिफ्ट है ग्राउंड फ्लोर पे, ये डिस्प्ले में दिख रहा है। सबसे पहले तो तीनों फेस की आइडेंटिफिकेशन कर लें कि तीनों फेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये ट्रिपल फेस है। यहाँ पे देखिए जीरो पे है, ग्राउंड फ्लोर है, जीरो दिखा रहा है। ये अपना मेंटेनेंस और नॉर्मल स्विच है, इसको हमने अभी मेंटेनेंस में डाल दिया है, तो इसका जो सिंबल है वो चेंज हो रहा है, यानी ये मेंटेनेंस पे है। अब इसको हम ये स्विच से ऊपर ले जाएंगे मेंटेनेंस में। ये तब किया जाता है जब लिफ्ट के किसी सिस्टम में अगर प्रॉब्लम हो और लाइट होने के बाद भी लिफ्ट चल नहीं रही है, तो इससे अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट वगैरह और जो भी जरूरत के हिसाब से इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। अब इसको जैसे हमने फिर से नॉर्मल में डाल दिया तो ये नॉर्मल में चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये मोटर ड्राइव सिस्टम है। ठीक है, ये रिले लगे हुए हैं सारे, ये सारे रिले वर्किंग होते हैं अपना फ्लोर और उसके साथ। ठीक है, ये हो गया अपना पैनल की जानकारी हो गई। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि लाइट जो है, लाइट अगर गोल है और कोई लिफ्ट के अंदर फंस गया है, तो अब इसमें हमको क्या करना है, ये ब्रेक लीवर होता है, इस ब्रेक लीवर को हमको पुल करके खींच के ब्रेक को खोलना है और इसको हम नीचे या ऊपर यहां से घुमा के कर सकते हैं। अब ये इतना फ्रीली इसलिए घूम रहा है क्योंकि इसमें वॉर्म गियर और स्पर गियर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण ये फ्री घूमता है। और इसमें एक ब्रेक सिस्टम भी होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट से काम करता है। ठीक, चलो ये, अब ये जो हमारा लगा हुआ है, ये सेफ्टी किट लगी हुई है, इसको ओएसजी बोलते हैं, ओवर स्पीड गवर्नर। ये सेफ्टी के लिए यूज होता है, अगर स्पीड हमारी निर्धारित की हुई स्पीड से ज्यादा तेजी से लिफ्ट अगर नीचे या ऊपर जाती है, तो ये लॉक जो इसमें दिख रहा है, ये लॉक इसको लॉक कर देगा और लिफ्ट वहीं पे ब्रेक लग के रुक जाएगी। लिफ्ट के अंदर भी एक ब्रेकिंग सिस्टम शू के साथ मैच्ड होता है, जिसमें सेफ्टी रॉड वगैरह लगती है। ठीक है, बस ये अब हम आ चुके हैं उसी फैक्ट्री की लिफ्ट में, और ये लिफ्ट अभी ग्राउंड फ्लोर पे है। आइए आपको दिखा देते हैं, ये लिफ्ट का डोर। अब ये हम उसको बोलते हैं एलओपी स्विचेस को, और ये चैनल गेट। ठीक है, अब ये यहाँ पे गौर कर लेकर आ जाओ अंदर। यहाँ पे एक मैग्नेट लगा हुआ है ये, और यहाँ पे ये सेंसर है। जब ये गेट बंद होता है और मैग्नेट जब सेंसर के नजदीक जाता है, सेंसर एक्टिवेट होता है और सिग्नल भेजता है कंट्रोल पैनल में कि गेट बंद हो चुका है, तब ये लिफ्ट चल पाएगी। जब तक गेट खुला है लिफ्ट नहीं चलेगी। ऐसे ही एक चीज और है, ये इसका लॉक सिस्टम है, ये मैकेनिकली कंट्रोल हो रहा है लॉक इसका। जैसे ही ये लॉक लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचेगी, या दरवाजा अगर खुला है, लॉक को सिग्नल नहीं मिल रहा है, ऊपर सिग्नल नहीं जा रहा है कंट्रोल पैनल में, तो लिफ्ट नहीं चलेगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टू साइड ओपनिंग है, एक ये एक ये, इधर खुलता है फर्स्ट फ्लोर, इधर खुलता है ग्राउंड फ्लोर। कहने का मतलब ये है कि अगर चार गेट हैं, चारों में से कोई भी अगर एक गेट खुला रहा, तो लिफ्ट नहीं चल पाएगी। ठीक है, ये कहलाता है सीओपी, सारे डायल्स, एजीएफ भारत की ब्रांडिंग, और लाइट्स, फैंस, ये सारी चीजें। ठीक है, थैंक यू।